वेलकम बैक दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है JSS T94 में दोस्तों मयस। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले महीने BDO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उससे संबंधित मैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों को जो है कि आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ 50 प्रश्नों का। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, और वैसे ही दोस्तों मैं आप लोगों को 5 सेकेंड या 3 सेकेंड का टाइम दूंगा, और आप अपने आंसर को सच्चाई से करिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? टाइम ले लीजिए दोस्तों, वो हैं आपके दोस्तों JB कृपलानी। उसके बाद दोस्तों कौन सुमेल नहीं है? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 और शासन, मार्ले मिंटो सुधा प्रतिनिधित्व। जल्दी बताओ दोस्तों, तो आपका है दोस्तों साइमन कमीशन, भारत विभाजन। उसके बाद दोस्तों भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूल अधिकार के बारे में बताता है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, नागरिकता या मूलभूत कर्तव्य। तो जल्दी दोस्तों, तो ये है दोस्तों भी आपका बी है। उसके बाद दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं। जल्दी करो दोस्तों, तो है दोस्तों आपका 7वीं। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, प्रथम संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? सोच के बताइए दोस्तों, यह है आपका दोस्तों प्रथम संशोधन द्वारा। उसके बाद है भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? क्यों राष्ट्रपति अधिनियम बना सकता है, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कश्मीर का अलग संविधान है, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जल्दी करिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बता देंगे। तो दोस्तों कश्मीर का अलग संविधान है, सी आपका सही है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? 14, 14, 15, 16, 14, 15, 14, 16। तो जल्दी करो दोस्तों, यह आपका दोस्तों 14, 15, 16। उसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। तो जल्दी करो दोस्तों, तो दोस्तों विदेशियों को, ईमानदारी से दोस्तों आप लोग करिएगा, जैसे कि ये नहीं कि हाँ मैंने तीसरा मारा था चौथा मारा था, एक ही बार जो आप फिक्स करिएगा वही आपका सही होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त है? 3, 12, 6, 9। जल्दी करो दोस्तों, तो दोस्तों ये है आपका सी, इसे तो आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता, समानता के अधिकार, संपत्ति के अधिकार से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। जल्दी करो दोस्तों, तो दोस्तों यह है आपका धर्म की स्वतंत्रता से। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36, 51, 33, 46, 33, 46, 34, 52। जल्दी करो दोस्तों, तो आपका है दोस्तों ए अनुच्छेद 36, 51। उसके बाद संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, बलिष्ठ संविधान संशोधन में, मूल अधिकारों में? तो दोस्तों जल्दी करो, यह है दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्वों में, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 4 माह। जल्दी करिए दोस्तों, ये आपका होगा दोस्तों 6 माह। उसके बाद है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को? जल्दी बताओ दोस्तों, तो यह है दोस्तों आपका संसद को। उसके बाद निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक? संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक? जल्दी करो दोस्तों, यह आपका है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2, 1, 5, 8। जल्दी करो दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका है 2, जो एंग्लो इंडियन होते हैं।
उसके बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्ण, फखरुद्दीन अली अहमद। जल्दी करो दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद दोस्तों, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर एवं सिद्ध करने के हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग जिस आधार पर लगाया जा सकता है वह है संविधान का उल्लंघन, दांडिक अपराध, वित्तीय घोटाला, कृत्यों की अवहेलना। तो जल्दी करो दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपका संविधान का उल्लंघन। उसके बाद है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, दो बार आ गया है, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो दोस्तों यह है निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, किस सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र आवाशन करना। तो दोस्तों जल्दी करिए। तो दोस्तों ये है आपका बी, किसी सत्र के अंतर्गत। ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो जल्दी दोस्तों करिए। तो इसमें यह है एंग्लो इंडियन, सही है। उसके बाद है दोस्तों, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है जब वो लोकसभा में बहुमत खोता है, जब वो राज्यसभा में बहुमत खोता है, जब वो जनता का विश्वास खोता है, जब राष्ट्रपति उसका त्यागपत्र चाहता है। जल्दी करिए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये है आपका ए। उसके बाद है दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। जल्दी करिए दोस्तों। तो दोस्तों करता है प्रधानमंत्री, लॉक करो। उसके बाद है दोस्तों, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, आपातकाल की घोषणा की गई हो, उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी करो दोस्तों। तो दोस्तों इसमें है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। जल्दी करिए दोस्तों। तो है दोस्तों आपका सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगला जो है प्रश्न हम टेस्ट सीरीज अगले अध्याय में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।